हाय गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो गाइस, आज के इसमें बात करने वाला हूँ डील्स एंड ऑफर्स के बारे में, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको बहुत सारी डील्स एंड अमेजिंग ऑफर्स के बारे में बताऊंगा जो कि फ्लिपकार्ट और अमेजोन दोनों के ऊपर है। तो इस वीडियो में मैं मोबाइल फोन्स एंड लैपटॉप को कवर करता हुआ चलूंगा, जो कि आप लोगों की डिमांड थी, और मैं चाहता हूँ कि आप लोगों की डिमांड पे मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो आप लोग भी मेरे कहने पे एक काम जरूर करिए। पहला तो अगर वीडियो पे नए आए हो तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करके चले जाना, और बेल आइकन आएगा उसे भी प्रेस कर देना। और साथ ही साथ यार मैं एक और चीज बता रहा हूँ, वीडियो को लाइक करना जरूर, क्योंकि यार स्टार्टिंग में अगर आप वीडियो को लाइक कर दोगे तो एक लाइक से मुझे बहुत खुशी मिलती है। और जिन लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रखा ना, तो जाके यार फॉलो कर लेना प्लीज यार। ये सारी बातें मैं स्टार्टिंग में बोल दूँ तो ज्यादा अच्छा रहता है। तो गाइज, आज इस वीडियो में क्या स्पेशल होना है, तो सबसे पहले बता दूँ कि थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ फ्लिपकार्ट के दी रिपब्लिक डे सेल से, और थोड़ा ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ अमेजोन के ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल से। तो आखिर क्यों हूँ डिसअपॉइंटेड, ये मैं आपको इस वीडियो बताऊंगा। तो प्लीज वीडियो से बने रहे, तो वीडियो को पसंद आते तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो गाइस, सबसे पहले बता दूं कि ये क्या दिक्कत हो रही है जो मुझे बहुत बुरा लग रहा है। सबसे पहला जो फ्लिपकार्ट का है सेल, इस सेल में आपको मात्र जो ऑफर है वो SBI कार्ड पे देखने को मिलता है, जो कि 10% का है। और SBI क्रेडिट कार्ड बहुत लोगों के पास नहीं होता, ये क्रेडिट कार्ड SBI वाले जल्दी मिलता नहीं है, और जहां पर हम सभी लोगों को दिक्कत होती है। बट कोई नहीं यार, ये अच्छा रहता है। और यहां पर अमेजोन ने HDFC में दिया, और वो भी काफी अमेजिंग ऑफर था HDFC। बट यार जो डिस्काउंट है, जो मैक्सिमम डिस्काउंट है, वो सिर्फ 1,000 रुपये है दोनों में, मतलब दोनों सेल के अंदर, मतलब अमेजोन और फ्लिपकार्ट के ऊपर सिर्फ आपको 1,000 1,000 रुपये का डिस्काउंट देखने मिलेगा। मतलब एक कार्ड के ऊपर आपको सिर्फ 1,000 रुपये का डिस्काउंट देखने मिलेगा, जो कि बहुत ज्यादा कम है यार। मतलब लिटरली इतना डिस्काउंट कौन रखता है भाई। बहुत 1,500 मानना मानता था, बट 1,000 रुपये कहीं पर भी मुझे जायज नहीं लगते। कि यार एक तो SBI का क्रेडिट कार्ड किसी के पास होता नहीं है, प्लस मैं HDFC बैंक एक ऐसा बैंक है जो कि प्राइवेट है और जहां पर जल्दी कोई खाता खुलवाता नहीं है। तो मेरे हिसाब से दोनों ही ऑफर यूजलेस हैं, जहां पर मुझे ऐसा लगता है। अब बात करता हूं मैं ऑफर्स एंड डील्स के बारे में। तो फ्लिपकार्ट के ऊपर आपको बहुत अमेजिंग ऑफर देखने मिलेंगे, मोबाइल्स के ऊपर स्पेशली एंड लैपटॉप्स के ऊपर भी स्पेशली। बट मोबाइल्स के ऊपर जो ऑफर है फ्लिपकार्ट के बेहतरीन है अमेजोन के कंपैरिजन, बट लैपटॉप के जो डील्स हैं ना वो हैं, वो आपको अच्छे मिलेंगे फ्लिप अमेजोन के ऊपर। तो अगर आप लैपटॉप परचेज करना चाहते हैं तो अमेजोन पे कंसीडर कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि मुझे एक लैपटॉप पसंद आया है जो कि बहुत अच्छा लैपटॉप, और अगर आप लोग गेमिंग प्लस में आपको वर्क के लिए इस्तेमाल करना है तो ये लैपटॉप आप कंसीडर कर सकते हैं। लिनोवो का IdeaPad 330, ये है i5 8th generation का, काफी अच्छा है। 8 GB RAM आपको देखने को मिल जाएगी, साथ ही साथ आपको 1 TB की हार्ड डिस्क देखने को मिल जाएगी। डॉस सिस्टम पे, मतलब डुअल विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब जो डॉस होता है वो है यहाँ पर। 2 GB का आपको ग्राफिक्स कार्ड देखने को मिल जाएगा एनवीडिया का, यानी कि परफेक्ट गेमिंग प्लस में वर्किंग लैपटॉप ये है। अगर आप इसे इस्तेमाल करना चाहते हो तो आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो बहुत मजे से। अब मैं बात करता हूँ मोबाइल्स एंड डील्स के बारे में। तो सबसे पहले अब क्या प्राइस कट हुए, वल्ला हबीबी देख के खुश हो जाएगा बंदा। यहाँ पर Redmi Note 6 Pro आपको मात्र 13,000 में मिल सकता है, और साथ ही साथ 1,000 रुपये के डिस्काउंट के साथ ये आपको मात्र 12,000 में मिल जाएगा। तो Redmi Note 6 Pro आप 12,000 में ग्रैब कर सकते हो, ये सबसे अच्छी बात है। वहीं पर आपको Realme C1 के ऊपर भी प्राइस कट देखने मिला है, जो कि सीधा 7,000 का हो गया है, और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि Realme C1 7,000 का है। Realme 2 पे आपको बैंक ऑफर जरूर देखने मिलेगा, लेकिन प्राइस ड्रॉप बिल्कुल भी नहीं देखने मिलेगा। Realme 2 आपको जो है 3GB 32GB आपको वही 9,500 रुपये का पड़ेगा, लेकिन आप SBI का कार्ड लगाते हैं तो आप Realme 2 ग्रैब कर सकते हैं, और यहाँ पर आप 900 रुपये का कम से कम डिस्काउंट ले सकते हो। तो ये सबसे अच्छी बात है। उसके बाद गैलेक्सी ऑन 6 पे यार जब वो प्राइस कट हुआ, मतलब कसम से 16,000 का फोन आपको लगभग 10,000 में मिल रहा है, जो कि काफी अमेजिंग प्राइस है। और यहाँ पर Honor 10 Lite जो कि इसकी पहली सेल हो चुकी है, और 20 तारीख को भी इसकी सेल है 13,000 के साथ, प्लस में SBI क्रेडिट कार्ड का ऑफर भी, तो आप इसके लिए भी जा सकते हो। और Oppo F9 भाई 21,000 का फोन और मात्र आपको 11,000 12,000 में मिल रहा है, तो ये अनबिलीवेबल है, क्योंकि आपको SBI का कार्ड लगाते हो तो 1,000 रुपये वहां पर भी आपको डिस्काउंट देखने को मिलेगा, जो कि एक बेहतरीन ऑफर है। अगर किसी को पोको F1 लेना है तो मैं सभी लोगों से रिकमेंडेड करूंगा कि अगर आपके पास 5A या 6A है तो आप उसे एक्सचेंज करवाना। पोको के साथ एक्सचेंज करवाने के वक्त आपको कम से कम आपकी एक्सचेंज वैल्यू 5,000 मिल जाएगी, जो कि 5A की एक्चुअल कीमत थी जब आपने खरीदा था उसे। तो सीधा सीधा 5,000 के साथ आपको ये पोको F1 13,000 का पड़ जाएगा, साथ में अगर डिस्काउंट लगते हो आप SBI क्रेडिट कार्ड का तो 12,000 में, वल्ला हबीबी मतलब इतना अच्छा लगेगा आपको 12,000 में फ्लैगशिप फोन, पूछो मत यार कसम से। और गाइज अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करना। उसके बाद सारे ये ऑफर काफी अमेजिंग है, मैं अगर
अगर मैं इस सेल में कोई फोन ले रहा होता और मेरे पास 5A या 6A होता तो मैं कसम से करूं मैं उसे एक्सचेंज ऑफर में डालता और पोको F1 ग्रैब करता सीधा का सीधा, मैं सच्ची में कह रहा हूँ। अब बात करते हैं अमेजोन के सेल के बारे में, तो अमेजोन पे भी आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट देखने को मिलेगा जो कि बहुत अच्छा ऑफर है। और यहाँ पर Redmi Y2 के ऊपर आपको एक अच्छा सा मैसिव डिस्काउंट देखने को मिला, जो कि फोन ऑलरेडी 8,000 का हो गया यार, 3G 32 GB, और आप 800 रुपये डिस्काउंट और करके 7,200 का ये फोन पा सकते हो बहुत ही इजीली अगर आप HDFC का डिस्काउंट लगाते हैं। सबसे बड़ी बात Realme U1 का जो 3G 32 GB वाला वेरियंट था वो आपको मिलेगा सिर्फ 11,000 रुपये में और डिस्काउंट भी एप्लीकेबल है, ये बहुत अच्छी बात है। Redmi 6 Pro का प्राइस ड्रॉप जो है वो नहीं हुआ है, बट अच्छा खासा ऑफर है HDFC का जो के लिए आप ग्रैब कर सकते हो। सबसे बड़ी बात MI का 6A मतलब Redmi 6A जो कि आपको 5400 का मिल जाएगा, आपको HDFC के बैंक ऑफर के साथ ये 5400 रुपये का पड़ रहा है। मतलब अगर आप 6A लेना की सोच रहे हो, ग्रैब करना चाहते हो, जाओ यार जल्दी से ग्रैब करो, सेल हर दिन होगी 12 बजे इसकी, जल्दी से जाके ग्रैब करो। इतने अमेजिंग ऑफर जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं ये बहुत अमेजिंग है। दोनों ही सेल के ऊपर आपको 1,000-1,000 रुपये का डिस्काउंट देखने को मिलेगा और ये ऑफर बहुत अच्छे हैं। साथ ही साथ अगर अगर मैं बात करूँ Redmi Note 6 Pro की, ये का फोन काफी ज्यादा अच्छा है। 5 Pro जिसका प्राइस कम से कम 12,000 का हो जाएगा, 11,000 का सॉरी, 11,000 के प्राइस के बाद उसके ऊपर अगर आप HDFC का बैंक ऑफर लगाते हो तो 1,000 रुपये का डिस्काउंट आपको वहां देखने को मिलेगा, तो प्रॉपरली फोन आपको 10,000 का पड़ जाएगा। 10,000 में आपके पास Redmi Note 5 Pro आ रहा है, क्या बात है। मतलब 10,000 में आपको 660 स्नैपड्रैगन डुअल कैमरा सेल्फी कैमरा 20 MP, कोई बुरी बात नहीं है, आपके लिए बेस्ट फोन है मेरे हिसाब से। तो इस सेल पे मैं आपको ध्यान दूंगा कि आप लोग Redmi Note 5 Pro या Poco F1 खरीद सकते हैं एक्सचेंज ऑफर में, जो कि आपको बहुत पसंद आएगा और कसम से मुझे भी बहुत ऑफर ये अच्छे लगे। तो शायद मैं इस सेल में अपने लिए Redmi Note 5 Pro या Poco F1 जरूर ग्रैब करूंगा अपना फोन एक्सचेंज करवा के। अगर मेरे पास कोई भी फोन है Redmi Note 4 उसे भी मैं एक्सचेंज करवाऊंगा Poco F1 के लिए, जहां पर मुझे Redmi Note 4 की सीधी सीधी कीमत कम से कम 5,000 रुपये मिल जाएगी, तो मैं जरूर कोशिश करूंगा कि एक्सचेंज करवाऊं और Poco F1 लूं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आई तो प्लीज यार वीडियो को लाइक करना बनता है, मैं एम तो पता ही है 100 लाइक्स कम ही है, जल्दी से कर दो। और वीडियो पसंद आई है और चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और बेल आइकन को दबाना ना भूलना। और यार इंस्टाग्राम पे नए आए हो तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना, ट्रिकी सी आईडी है, जल्दी से जाओ फॉलो करो। तब तक मिलता हूँ किसी और अगली वीडियो में, आपको अगर ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज बाय बाय, टेक केयर।